अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। काफी अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला है जब किसी पार्टी की हार पर विपक्षी पार्टी ने मिठाइयां बांटी हो, जश्न मनाया हो, लेकिन देखते ही देखते हार के इस जश्न ने भारी विवाद का रूप ले लिया। दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए, वे जमकर पथराव हुआ, छतों से बोतलें चली, कई घरों के शीशे टूटे, दहशत के मारे लोगों ने दुकानें तक बंद कर दी, कई लोग घायल हो गए। सूचना पाकर तीन थानों की पुलिस पहुंची, वे किसी तरह मामला शांत कराकर लगभग 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जली कोठी वार्ड 65 का है, यहाँ से बसपा के पार्षद प्रत्याशी रहे तुफैल महल 7 वोटों से हार गए। उनकी हार का जश्न कांग्रेस समर्थक इरफान प्रधान ने मिठाइयां बांटकर मनाया। इतना ही नहीं, इरफान ने अपने बेटे संग तुफैल की दुकान के सामने पहुंचकर जश्न मनाते हुए खूब आतिशबाजी भी की। जब तुफैल और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसने मारपिटाई का रूप ले लिया। देखते ही देखते लात घूंसों की मारपिटाई ने पत्थरबाजी का रूप ले लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत में आकर घरों में घुस गए, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। सूचना पर सीओ कोतवाली अमित रॉय तीन थानों की पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और मामला शांत कराया। वे इरफान प्रधान के बेटे असम सहित तुफैल के एक समर्थक को हिरासत में ले। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी, सुनिए। थाना देहली गेट क्षेत्र अंतर्गत जली कोठी मोहल्ले में दो हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में कहासुनी विवाद और पथराव की घटना हुई थी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटनाक्रम के संबंध में थाना पुलिस के द्वारा 15 व्यक्तियों को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या इसमें जो प्रत्याशी लड़े थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है? नहीं, जो प्रत्याशी लड़े थे उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज है, उनके समर्थकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था जिन लोगों के द्वारा विवाद किया गया। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।